अश्विन शुक्ल पक्ष के शारदीय नवरात्रि रविवार से शुरू हो चुकी है। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हुई और 24 अक्टूबर को दशहरे के साथ इसका समापन होगा। इसे शक्ति प्राप्ति करने वाली नवरात्रि भी कहा जाता है। नवरात्रि का शुभारंभ प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना के साथ होता है। घट स्थापना में देवी के नाम का कलश स्थापित किया जाता है। इसके बाद ही व्रत और देवी के स्वरूपों की पूजा आरंभ होती है। बेटमा में भी नवरात्रों का भक्ति रंग देखने को मिला। भक्तों ने धूमधाम से पंडालों में देवी प्रतिमा की स्थापना की। वहीं नगर के प्रसिद्ध पुरातन माँ अन्नपूर्णा व अमन चमन माता मंदिर में भी माता भक्तों की भीड़ बनी रही। भक्त सुबह से ही माता रानी के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे थे। शाम को अन्नपूर्णा मंदिर व पांडालों में भव्य आरती होते ही गरबों का दौर शुरू हो गया, जहां बालिकाओं ने एकल नृत्य व सामूहिक गरबों की रंगारंग प्रस्तुति दी। हालांकि पहले दिन पांडालों में भीड़ कम ही देखने को मिली, वहीं इस बार आचार संहिता का असर भी आयोजन में देखने को मिल रहा है। बैठमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। जय माता की। माँ अन्नपूर्णा का मंदिर करीब 800 वर्ष पुराना है और यहाँ पर से ये मूर्ति इंदौर में कहीं स्थापित होने के लिए जा रही थी और यहाँ पर रथ रुक गया और माँ की स्थापना आज से 800 साल पहले यहीं करना पड़ी। बहुत प्राचीन मंदिर है और खूब श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और सबकी मनोकामनाएँ माँ अन्नपूर्णा पूर्ण करती है। जय माता की। आज नवरात्रि का प्रथम दिवस माता शैलपुत्री का रूप आज माता जी का और उनके दर्शन करने हम सब परिवार आज अन्नपूर्णा मंदिर पधारे। माता जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और माता जी अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर और सब पर बनाए रखे। सभी का सुहाग हमेशा अमर रखे और सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जय माता दी। मैया जी की आराधना करने के लिए सभी भक्त माता जी के मंदिर में हैं। माता जी का श्रृंगार, माता जी के चरणों में नमन करने से माता हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और हमारी क्या सभी भक्तों की पूर्ण करती है। इसलिए हम भी आज सब परिवार यहाँ पर माता जी के दर्शन करने के लिए पधारे हैं। माता सबका उद्धार करे इस नवरात्रि में। हमारे देश की और नगर की, प्रदेश की, सभी की भलाई हो, ऐसी मैं माता जी से मनोकामना करता हूँ। जय माता दी। नवरात्रि, दशहरा, दुर्गा माता प्रतिमा विसर्जन त्यौहार को लेके विगत दिनों थाना बेटमा अंतर्गत बियानी गार्डन में जो है शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में सभी लोगों के सुझाव और परामर्श को आमंत्रित किए गए और इस बैठक में श्रीमान एसडीओपी महोदय, सीएमएचओ, बिजली विभाग के अधिकारी और मुझ थाना प्रभारी द्वारा शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के लिए और आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए संबंधितों को जो है समझाइश दी गई थी। समझाइश में यह भी बताया गया कि वर्तमान समय में ज़िले में आदर्श आचार संहिता लागू है, आदर्श आचार संहिता का पालन करें और सभी धर्मों को जो है बड़े अच्छे से त्यौहार को मनावें और शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार को मनाया जावे। त्यौहार में यदि किसी व्यक्ति द्वारा या आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, यह भी निर्देश दिए गए हैं। चूँकि बेटमा नगर एक धार्मिक नगरी है और यहाँ पर अन्नपूर्णा मंदिर, अमन चमन टेकरी और इसी तरह शीतला माता मंदिर एवं अन्य मंदिरों में भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इन मंदिरों में पुलिस प्रशासन द्वारा पर्याप्त एवं समुचित व्यवस्था लगाई गई है और हर मंदिर पर और हर धार्मिक स्थान पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।